भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बूथ स्तरीय घर घर संपर्क अभियान के तहत मंगलवार को महानगर के गीता नगर मंडल के शेखपुर बूथ संख्या 136 कालीबाड़ी मंदिर गीता प्रेस रोड पर सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए जनसंपर्क कर सरकार के किए गए विकास कार्यों का पत्रक वितरित किया, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात सुनने के बाद से आगामी 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर घर घर संपर्क होगा और 2 अक्टूबर को सभी बूथों पर मंडल इकाई द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सभी योजनाएं गरीबों को लाभान्वित कर रही हैं। प्रदेश में योगी सरकार एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रमी नेतृत्व और गरीबों के कल्याण व गरीबों की सेवा के लिए समर्पित है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व में अपना स्थान बनाते हैं। विदेशों में भाजपा सरकार की सराहना होती है तो देश का भी सम्मान बढ़ता है और गांव गरीब किसान का भी सम्मान बढ़ता है। इसी तरह मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर देश व प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए व आतंकवाद व गुंडागर्दी से मुक्ति के साथ राम राज की स्थापना में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल पहले गुंडागर्दी होती थी, बम फटते थे। आज योगी सरकार के 4.5 वर्ष में ना कोई दंगा हुआ, ना कोई बम फटा। आज गुंडे माफियाओं को डर लगता है और उत्तर प्रदेश विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्रों में केंद्र व राज्य की जो योजनाएं हैं इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, जनता के बीच में पहुंचने के लिए घर घर जनसंपर्क अभियान। 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बूथ स्तरीय जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस अवसर पर कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, मंडल अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ल, ब्रजेश मणि मिश्र, इंद्रमणि उपाध्याय, अच्युतानंद शाही मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बगल में बूथ अध्यक्ष है, ठीक है, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ठीक है, विधायक और बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष आगे मकान में पत्रक पे बटवाना, बाकी सब लोग पीछे और पत्रक आगे बढ़ता रहे। संयोजक शंकर कुमारी से व्यवस्था देखते रहे। तो याग ने विपुल बड़ा
नाम योग प्रधान गम वंदे विष्णु भैव प्रणम आगे आगे सुनिए आगे जरा भाई इधर आ जाओ सर स्वस्ति तब से यहाँ भाजपा का संगठन मंडल के लिए यहाँ हमेशा कार्यालय बैठक मीटिंग पूरी अच्छा आपसे योगी की सरकार बस चारों तरफ योगी ये दीजिए ये कौन आपके मंत्री जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष आइए नहीं है किसान मोर्चा भैया महाराज जी के शिष्य हैं ये रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी योगी जी का इसको पढ़ लेना कोई जरूरत हो और कुछ काम बताना हो तो बूथ अध्यक्ष को बता देना भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद चक्कर में भाई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी राज्य के अंदर आदरणीय योगी देश का प्रधान सेवक राज्य के अंदर तपस्वी योगी सरकार ने जो 4.5 सालों में जो काम किया है गरीबों की सेवा के लिए जनता की सेवा के लिए वो काम का जिक्र इसमें है आप इसको पढ़ें सुभाव लगता है इस वार्ड का पार्षद होगा इस वार्ड का हमारा बूथ का अध्यक्ष होगा और कुछ करने की आवश्यकता है उसको आप लिख कर दे देना पहुंचे लोग फिर हम लोग ये काम करें हम लोग 4.5 साल में पब्लिक सेवा से रिपोर्ट काट लेते हैं आपसे निवेदन है कि आप अपने गली में भी जो शेष हो चल रहा है आप इसको बांट और लोगों के मंडल अध्यक्ष रूपेश है आप बता देना रूपेश को और बाकी हम लोग सेवा बाद में करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 4.5 वर्ष की योगी सरकार देश के अंदर आदरणीय मोदी सरकार की
उपलब्धियां फोल्डर के माध्यम से जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें से कुछ बिंदुओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के अंदर सभी बूथों पर घर घर संपर्क की योजना बनाई है। 26 तारीख से लेकर मन की बात सुनने के बाद आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रिय मन की बात होती है उसको सुनने के बाद 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर ये घर घर संपर्क होगा और 2 अक्टूबर को सभी बूथों पर या मंडल में इकाई तय करेगी किस किस स्थानों पर स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त कहीं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बनाई है। केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो गरीब तक पहुंची है और आदरणीय योगी जी पहली बार देश के अंदर एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रमी नेतृत्व और गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की सेवा के लिए ऐसे प्रधान सेवक देश का विश्व में भी अपना स्थान बनाता है, देश का भी सम्मान बढ़ता है और गांव गरीब किसान का भी सम्मान बढ़ता है। उसी तरह राज्य के अंदर एक परिश्रमी नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व जो समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए, मुसहर और बंटांगिया जैसे समाज की भी चिंता करते हुए राजस्व ग्राम भी बनाना है और सभी गरीबों को पक्का छत देना है। इसी तरह आदरणीय मोदी जी योगी जी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए और आतंकवाद गुंडागर्दी से मुक्त एक राज्य अच्छा बने, आप देखे होंगे पिछले 4-4.5 साल पहले हर जगह बम फटते थे, गुंडागर्दी होती थी। आज आदरणीय योगी सरकार में 4.5 सालों में न एक दंगा हुआ न कोई बम फटा। आज गुंडे माफिया भय से डर लगता है उनको और उत्तर प्रदेश एक विकास के रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा है और 40 क्षेत्रों में जो केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य की योजना, ऐसे 40 क्षेत्रों में हम नंबर एक हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, टीकाकरण हो और गरीबों के लिए अन्न वितरण का हो, गरीबों को जान और जहान दोनों बचाने का। कोरोना के समय में आदरणीय मोदी जी और योगी जी, केंद्र सरकार भी फ्री में जाता है और राज्य सरकार में भी फ्री में गरीबों के लिए अन्न वितरण होता है। इसलिए ये सब रिपोर्ट कार्ड यानी मैं क्या क्या काम किया हूँ 4.5 साल में ईमानदारी के साथ उसके पत्रक के माध्यम से कुछ अंश को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद लेकर पुनः 2022 का सरकार बनाना है। इसलिए हम जनता के बीच और राज्य के 1,63,000 बूथों पर बूथ समिति संपर्क घर घर करना है और घर घर जाकर आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के बारे में बता। देखिए सपा तो कह रही 400 से अधिक सीट लेगा, सपा क्या करे बसपा क्या करे विषय नहीं है। कुल मिलाकर हम लोग सत्ता बनाते हैं तो एक सामाजिक आंदोलन में समाज में बने, आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी सरकार बनाए हैं राज्य के अंदर देश के अंदर, तो आपको कल्पना होना चाहिए कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री जो भाषण दिया कश्मीर के धरती पर, न खाएंगे न खाने दूंगा न सोऊंगा न सोनू दूंगा, वह आत्मा से निकली हुई आवाज़ है। उसके बाद उन्होंने बैंक का अकाउंट खुलवाया, लोग नहीं समझे कि बैंक का खाता क्यों खुला, यानी कहा जाए जो बड़े आदमियों के सम्मान की बात थी। लोग कहते थे इनके घर में गैस है, अरे बड़ा आदमी है, इसके घर में लाइट है, अरे बड़ा आदमी होगा, इसका बैंक का कार्ड है यार, बड़ा आदमी होगा। वह सभी काम आदरणीय मोदी जी ने झोपड़ पट्टी में रहने वाले उस गरीब के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक वह लाभ पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है देश के अंदर तो आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी। यानी 5,00,000 का आयुष्मान कार्ड, हार्ट किडनी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अब किसी साहूकार के यहाँ कर्ज मांगना नहीं पड़ता उसको, अब स्वयं उसके पास 5,00,000 का कार्ड है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो एक गरीब का पक्का मकान, एक गरीब का शौचालय, यानी बरसात के समय या संध्या या किसी के बेला की इंतजार नहीं करती, आज सभी के घरों में शौचालय है, बिजली का कनेक्शन और अपने गैस का कनेक्शन और आज फ्री में अन्न मिल रहा है उसको, किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है और सॉयल हेल्थ कार्ड भी किसानों के स्वास्थ्य के लिए, इसीलिए कारण पैदावार भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करके गरीबों की सेवा करना ही मेरा धर्म है और कर्तव्य भी है।
सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ हम काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, हम लोग भीख मांगे तो है, आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया कि सभी लोग गरीबों के लिए सब्सिडी छोड़ दे, पूरा देश सब्सिडी छोड़ दिया और 400 करोड़ रुपया स्वच्छता में आया, समाज का सरकार का नहीं पैसा है, और आज सभी गरीबों को शौचालय मिल रहा है, सभी गरीबों तक शौचालय पहुंच रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर समाज में यमन, महात्मा गांधी ने कहा था वस्त्र विदेशी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अन्न छोड़ दो, एक दिन लोगों ने अन्न छोड़ दिया। देश के गौरव आदरणीय प्रधान सेवक देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दिया और 400 करोड़ स्वच्छता अभियान में देशवासियों ने डाल दिया। यह है देश का आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, इसे कहते हैं 125 करोड़ देशवासी आदरणीय मोदी योगी के साथ 2 कदम आगे बढ़ा चुका है। आदरणीय योगी जी,